इन विकास मॉडल्स को लेकर कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। विकास के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने प्रगति तो की है, चाहे वो साम्यवादी मॉडल रहा हो या लोक कल्याणकारी मॉडल रहा हो या पूंजीवादी व्यवस्था रही हो, प्रगति तो हुई है। हर परिवर्तन प्रगति की ओर ही ले जाता है, लेकिन इसकी हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ी है। ये ऐसी प्रगति रही जिसके एवज में हमें कुछ नुकसान भी भोगने पड़े, और कुछ क्या, कुछ मामलों में तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अर्थात हम विकास के मॉडलों की यदि आलोचना करें, समालोचना करें, तो हम पाएंगे कि शायद इस मॉडल में एक बहुत बड़ी खामी है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। पर वहाँ बढ़ने से पहले अब हम थोड़ा देखें कि इसके क्या मायने हैं कि प्रगति तो हुई लेकिन बड़ी भारी कीमत पर। ये कैसी कीमत है, ये कीमत किस रूप में हमें चुकानी पड़ी, थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करें। पहला, विकास के मॉडल की समालोचना में जो सबसे पहली बात आती है वह है वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी। बड़ा महंगा पड़ा। आर्थिक प्रगति, जीवन स्तर, मानव कल्याण। आर्थिक प्रगति, जीवन स्तर, मानव कल्याण, इन बातों पर बहुत जोर दिया गया। जो हमने उद्देश्यों की बात की, विकास के उद्देश्यों की, उसमें मूल रूप से आप यही तीन बिंदु पाएंगे। जीवन स्तर उठाने की बात पाएंगे, आर्थिक प्रगति की बात पाएंगे, और समय आने पर मानव कल्याण की भी बात हुई। अच्छी बात है, लेकिन इस विकास के रास्ते को अख्तियार करने पर हमें क्या नुकसान हुआ, इस रास्ते को, इस मार्ग पर चलने पर, इस मॉडल को अपनाने पर, भौतिकवादी मॉडल को अपनाने पर विश्व को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, ये सोचने की बात है। विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम वनों की कटाई, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, पृथ्वी के गर्भ से संसाधनों का दोहन, चाहे वो कोयला हो, तेल हो या अन्य पदार्थ हो, कृषि योग्य क्षेत्र का कम होते चले जाना, जनसंख्या में भारी वृद्धि, पलायन, जनजाति के लोगों का पलायन, विस्थापन की बात नहीं, पलायन, उनके लिए आजीविका का प्रश्न आदि आदि, ये सब वे बिंदु हैं जो तब निर्मित हुए जब हमने विकास की दर बढ़ाई। जैसे जैसे हमारे विकास की दर बढ़ती गई, तथा कथित विकास की, आर्थिक विकास की, वैसे वैसे समाज को इन बिंदुओं में भारी कीमत चुकानी पड़ी। वनों की कटाई को ही ले लें, वनों की कटाई से के क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं, इससे आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। चाहे वो हमारे ओजोन स्फीयर को लेकर हो, चाहे ब्लैक होल को लेकर हो, चाहे सूर्य के रेडिएशन को लेकर हो, ग्लेशियर के पिघलने को लेकर हो, समुद्र की जो ऊंचाई है उसको लेकर हो, तापमान को लेकर हो, और वनों की कटाई से जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दे, जैसे बहुत सारे जंतुओं का विलुप्त हो जाना, इस धरती से गायब हो जाना आदि आदि, ये मात्र केवल वन की कटाई के कारण हुआ। एक ही पहलू को मैं छू रहा हूँ,
समाज को क्या कीमत चुकानी पड़ी। विकास के लिए वनों की कटाई आवश्यक थी, क्योंकि हम भौतिक विकास की बात कर रहे थे। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या क्या उसके दुष्परिणाम हुए, इसको मैंने संक्षिप्त में बता दिया और आप सब इससे वाकिफ हैं। आप सोचिए, बाकी अन्य जो बिंदुओं पर विकास की बात को लेकर जो बाकी बिंदुओं को हमने छुआ नहीं छुआ है, या बाकी जो कुछ अन्य कार्य विकास के नाम पर हमने किए, जैसे बांधों के निर्माण, गर्भ से संसाधनों का दोहन आदि आदि, खनन, इससे कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। एक बहुत विस्तृत वन क्षेत्र पर, बहुत फैले हुए वन क्षेत्र पर अब या तो नियमित रूप से कृषि कार्य हो रहा है, या फिर बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ मानव बस्तियाँ बन गई हैं, पर वन गायब हो गए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। उनका अनुपात बहुत कम हो गया है। जरा जनजाति लोगों की ओर ध्यान दें, जिनकी संस्कृति, जिनकी अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित थी। जनजाति से मेरा तात्पर्य है, भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो आदिवासी जातियां, जनजातियां, जो जंगलों में हजारों वर्षों से रह रही थी। हमने उनके वनों की कटाई करके उनकी संस्कृति के साथ छेड़खानी की है। हमने उनके वनों की कटाई करके उनके जीवन यापन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, अर्थव्यवस्था को उनके बिगाड़ दिया है, और परिणाम स्वरूप उन्हें वहाँ से विस्थापित होने के लिए विवश किया है। वनों को साफ कर देने से जनजाति लोगों का आजीविका, उनकी समस्या खड़ी हो गई है। वनों के कटाव से इस जनजाति के लोग अपने उन स्थानों को छोड़कर जहाँ वो हजारों वर्षों से रह रहे थे, शहरों की ओर आने के लिए विवश हुए हैं, नगरीय क्षेत्रों में आने के लिए विवश हुए हैं, या कम से कम उन क्षेत्रों से पलायन करने के लिए विवश हुए हैं, और उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी आदतें, ये सब एक ओर छूट गई हैं। वन कटाई से होने वाली समस्याओं को मात्र हमने छुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इस समस्या की गहराई की था हमने पाली होगी। दूसरी ओर हम देखें तो बांध निर्माण, खासकर बड़े बड़े बांध, जब बड़े बांध बनते हैं, जैसा कि भारत में भी बने, जिसमें भाखड़ा नंगल बांध बहुत प्रसिद्ध है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाइयों पे बने हुए बांधों में गिना जाता है, फिर सरदार सरोवर बांध, और विश्व के अन्य देशों में बड़े बड़े बांध बने, तो उसके क्या परिणाम हुए। अच्छे परिणाम तो ये हुए कि बिजली का भारी उत्पादन हुआ। यदि हम सरदार सरोवर और नर्मदा सागर बांध की बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 7 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, ऐसी उम्मीद है। सरदार सरोवर डैम और नर्मदा सागर डैम भारत में बिजली के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और बिजली वैसे बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिकीकरण में, औद्योगीकरण में, विकास में। पहला फायदा तो ये हुआ बिजली का उत्पादन। दूसरा, बांध के पानी से गुजरात और राजस्थान के लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सिंचाई होगी। कितना? 2 मिलियन हेक्टेयर, और वो भी कौन से क्षेत्र? राजस्थान जैसे मरुस्थल के क्षेत्र, वहाँ सिंचाई संभव हो जाएगी, और इस प्रकार वहाँ की भूमि जो है वो कृषि योग्य बनने की ओर अग्रसर होगी। गुजरात में भी इसके पानी का उपयोग होगा सिंचाई के लिए। इसके साथ जो बिजली उत्पन्न होगी, उससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को पर्याप्त बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तो हुए इस योजना के लाभ, मुख्य लाभ। और भी इसके कुछ फायदे हैं,
जब ये बांध बन रहा था तो इस बांध के निर्माण में हजारों मजदूरों को रोजगार मिला। बांध बनने से बांध के आसपास के क्षेत्रों में जो टाउनशिप बनी है, उस टाउनशिप के आसपास बहुत सारे अन्य जुड़े हुए उद्योग प्रारंभ हो गए हैं, जिसने हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। खाने पीने की दुकानें, गेस्ट हाउस आदि आदि बहुत सारी अन्य चीज़ें आ गई हैं। निश्चित रूप से ये इसके फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या? और यदि हम नुकसान और फायदों को देखें तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या है? बड़े बांधों का निर्माण उचित या अनुचित? नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान सैकड़ों गांव और बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र पानी में डूब जाएगा। सैकड़ों गांव, एक दो नहीं, सैकड़ों, हजारों की तादाद में उससे जुड़े हुए बांध के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग वो प्रभावित होंगे। उस क्षेत्र का पूरा जो वन है, वनाच्छादित क्षेत्र जो है, वह पूरा बांध के पानी में डूब जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा? इस योजना से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो जनजातीय लोग, लघु कृषक वर्ग के लोग, जो एक एक एकड़, आधी एकड़, दो एकड़ की ज़मीन में खेती करते हैं। उनके आजीविका का साधन उस खेती, उस उनकी उस ज़मीन में की गई खेती ही है। इनका क्या होगा? सरकार ने आश्वासन दिया था और कोर्ट ने भी आदेश दिए कि इन जनजाति के लोगों को विस्थापित करने पर समुचित मुआवजा दिया जाए। जो इस विस्थापन से, इसके डूबने से, इस क्षेत्र के डूबने से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनमें इनको सबको पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। क्षतिपूर्ति के नाम पर इस क्षेत्र से पलायन करने वाले लोग, इस क्षेत्र से की डुबान में आने वाले लोग, उनको बहुत कम क्षतिपूर्ति मिलती है। इसका उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ये 1980 के दशक का आंदोलन था। मेधा पाटकर, सुश्री मेधा पाटकर, समाज सेविका के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, पूरे देश में चला। विशेषकर नर्मदा नदी के बहाव के क्षेत्र में आंदोलन बहुत चला और 1980 के दशक में शुरू किया गया था। और उसका कारण था कि बहुत सारे पर्यावरणविद और मानव अधिकार से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि विस्थापित लोगों को ठीक से पुनर्वास नहीं दिया जा रहा। वादा किया गया था कि उनके ज़मीन को लेने पर उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलेगा, पर ऐसा नहीं किया गया। इसके विरोध में ये आंदोलन सब हुए और साथ ही साथ पर्यावरणविदों का कहना था कि इस बड़े बांधों के निर्माण से जो जंगल आदि होंगे, जो पर्यावरण यहाँ का जो होगा वो बिगड़ जाएगा। व्यक्तियों का तो पलायन हो जाएगा, लेकिन वहाँ रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उनका क्या? तो इस प्रकार बहुत बड़ी समस्या एक सामने थी, जिसके खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राष्ट्रों को, संबंधित राज्यों को निर्देश भी दिया कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा और क्षतिपूर्ति दें, पर सच्चाई क्या है इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटकर ने जिसका नेतृत्व किया था, आखिर इसका इतना विरोध क्यों? मैंने इसके लाभ तो बताए, बिजली का होना, सिंचाई में मदद होना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका पेयजल की सुविधा मिलना आदि आदि। लेकिन नुकसान,
जमीन के डूबने से 10 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन, 10 लाख, और इसमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जो इस लाभ से वंचित कर दिए गए, किसी न किसी कारण से उन्हें इसकी पात्रता के उपयुक्त नहीं पाया गया। विशाल जंगली भूमि जो बांध के क्षेत्र में आता था वह भी डूब गया, और अधिकतर जो इस क्षेत्रों के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, इनका क्या हश्र हुआ इसकी चिंता तो केवल पर्यावरणविद ही कर रहे थे, बाकी जो सरकारी मशीनरी थी उसका तो पूरा लक्ष्य तथाकथित विकास की ओर था। मनुष्य को बड़े बांधों के निर्माण की विवशता के कारण अपने क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा, उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं मिली, फिर भी मनुष्य किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेता है। यदि भी वह आंदोलित रहता है, चिंतित रहता है, लेकिन किसी तरह इस समस्या से वह निजात पाता है। निजात क्या पाता है, किसी तरह अपना जीवन यापन करता है, लेकिन पर्यावरण का क्या होगा? विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी, अब हम थोड़ा उसको देखें। विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, ये तो अब हम समझ गए, अब पर्यावरण को क्या चुकानी पड़ी? वास्तव में विकास की वजह से ही अनेक देशों का पर्यावरण जो है वो बहुत बिगड़ गया है, विकास के नाम पर बहुत नुकसान पहुंचा। इसके परिणामों को केवल विस्थापित लोग ही नहीं भुगते, बल्कि पूरी आबादी महसूस करने लगी। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बांध बनने से केवल वहाँ के लोग ही प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है। बांध बनने से, बड़े बांध के निर्माण से एक बहुत बड़े क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होता है, जो बहुत बड़े तबके के लोगों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सुनामी का कहर ढाया था, सुनामी के दृश्य आपने बहुत सारे देखे हैं, तो ये देखा, ऐसा महसूस किया गया कि सुनामी का ज़्यादा दुष्प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि तटीय क्षेत्रों के वन को नष्ट कर दिया गया, किनारे किनारे के जो क्षेत्र थे उनके वनों को काट दिया गया था, चाहे वो सुंदरता के नाम पर, टूरिस्ट स्पॉट बनाने के नाम पर, बीच बनाने के नाम पर, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के नाम पर, आदि आदि कई कारणों से वनों को काट दिया गया। इसीलिए सुनामी ने वो कहर बरपाया जिसके विजुअल्स आज सभी लोगों को द्रवित कर देते हों। इन तटीय वनों के नष्ट होने से और समुद्र के निकट वाणिज्य उद्यम के स्थापित होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो औद्योगिकरण क्षेत्रों का हुआ, व्यापारिक क्षेत्र जो बना दिए गए यहाँ पे, टूरिस्ट स्पॉट जो यहाँ बना दिए गए, उसने बहुत नुकसान पहुँचाया। आप लोगों ने भूमंडल के तापमान के बढ़ने के बारे में तो सुना ही होगा कि तापमान बढ़ गया है और उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ओजोन लेयर में छेद, इसका परिणाम क्या हो गया है? इसका परिणाम ये कि अंटार्कटिक और आर्कटिक जो ऊपर और नीचे हैं, अंटार्कटिक और आर्कटिक, इन जगहों में जो बर्फ है, ये बर्फ पिघलने लगी है। कहने को तो बड़ा सरल लग रहा है कि बर्फ पिघल रही है तो क्या, पर आपको मालूम होना चाहिए कि बर्फ पिघलने से यहाँ मात्र पानी ही कम नहीं हो रहा है, बर्फ पानी में बदल रही है तो समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर, वो ऊंचा उठते जा रहा है। पिछले 50 वर्षों में समुद्र का जल स्तर जितना ऊंचा उठा है इन बर्फ के पिघलने से, उसने कई क्षेत्रों को समुद्र के अंदर डुबा दिया है।
और आने वाले वर्षों में शंका है कि संभवतः भारत के आसपास के भी कुछ क्षेत्र समुद्र के डुबान में आ जाएंगे। ये जो बर्फ पिघलना हो रहा है, इससे बाढ़ का आना, बांग्लादेश और मालदीव और सिलोन के कुछ क्षेत्रों, श्रीलंका के क्षेत्रों का डूबना शायद संभव है। ये बर्फ पिघलाव से निस्तारित होता हुआ पानी इन लो लाइंग क्षेत्र को समुद्र में डुबाने में सक्षम है, अर्थात पृथ्वी से कई क्षेत्र गायब हो जाएंगे, समुद्र के में डूब जाएंगे। वहाँ के लोगों का क्या होगा? जल स्तर बढ़ते जाएगा और जहाँ बर्फ है वहाँ बर्फ ख़त्म होती जाएगी। ये जो पर्यावरण में जो भारी बदलाव है, ये बदलाव मानव सभ्यता के लिए खतरा है। पर्यावरण से होने वाले प्रभाव को आप इन कुछ चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपने देखा भी है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आने वाले दौर में इस संकट से हम बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। इसके अलावा पर्यावरण में एक तो हो गया तापमान का बढ़ना पेड़ों की कटाई के कारण, विकास सीमेंटीकरण के कारण, तथाकथित विकास के कारण। एक और दुष्परिणाम है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं करता। वातावरण में यदि प्रदूषण है तो वो सभी को प्रभावित करता है। लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक तीव्र प्रभाव पड़ेगा। पलायन, जड़ी बूटी और आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों का अपने गुजारे के लिए विविध प्रकार से उपयोग करने वाले गरीबों पर जंगल के नष्ट होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पलायन से, जड़ी बूटी और आहार के लिए वनों पर जो लोग निर्भर हैं, अपना जीवन यापन जो उसी के बल पर करते हैं, जब जंगल काटे जा रहे हैं तो उनका ये उसका दुष्प्रभाव इन पर इस रूप में पड़ रहा है। नदियों तालाबों का सूखना एक सामान्य प्रक्रिया बन चली है। भूमिगत जल स्तर अब और नीचे हो चला है, अर्थात कुल मिलाकर पीने के पानी की समस्या भी गहराती जा रही है। एक और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पर वो तो नमकीन पानी है। दूसरी ओर पीने के पानी का जल स्तर संसाधनों के दोहन के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और वृक्षों की कटाई के कारण गहराता जा रहा है। आप देखते होंगे कि पानी के लिए, पीने के पानी के लिए कई क्षेत्रों में लोगों की लंबी लंबी कतार रहती है, कई मील दूर उन्हें पानी लेने जाना पड़ता है। कई दृश्य तो ऐसे हैं जिसमें पानी के थोड़े थोड़े बुलबुले निकलते रहते हैं और उसी को ग्रामवासी किसी तरह इकट्ठा करते हैं और अपने अपने लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। ये सब क्यों? ये सब केवल इसलिए क्योंकि विकास के नाम पर हमने पर्यावरण के साथ छेड़खानी की है। विकास के नाम पर हमने भौतिक विकास, आर्थिक विकास के नाम पर हमने पर्यावरण के साथ उचित तरीके से सलूक नहीं किया है, पर्यावरण को बिगाड़ा है, पर्यावरण संतुलन को ख़राब किया है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ये बात को समझें कि जिस तरह के विकास के मॉडल को लेकर गत
300-400 वर्षों से विश्व चल रहा है, उस विकास के मॉडल में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हम इस बात को समझें, माने कि इस तरह का विकास हमें एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रहा है जहां पहुंचने के बाद किसी तरह का सुधार संभव नहीं है। हम इस बात को समझें कि ये विकास बनाम पर्यावरण में हमें पर्यावरण को केंद्र बिंदु रखकर विकास के बारे में सोचना होगा, व्यक्ति को केंद्र में रखकर नहीं। किसी भी तरह का विकास पर्यावरण को न्यूनतम दुष्प्रभावित करे, वही विकास का सही मॉडल बन सकता है। विकास के जिस मॉडल को हम अनुसरण कर रहे हैं, विकास के जिस मॉडल को हम लेके चल रहे हैं, वो विकास के मॉडल की एक और बहुत बड़ी बुराई है। पर्यावरण को तो प्रभावित कर ही रहा है, समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग के कारण भी ये मॉडल उचित नहीं है। ये वाला जो वर्तमान में जो हम भौतिकवादी मॉडल लेके चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की निर्भरता है। हम बुरी तरह इस पर निर्भर हैं। विकास और ऊर्जा, जिस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, वह क्षेत्र उतना ही ज़्यादा विकसित हो रहा है, ऐसा माना जाता है। यदि हम विकास की उस परिभाषा पर जाएं जिसके मायने भौतिक विकास हैं, तो विश्व में ऊर्जा की यदि बात करें तो ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला और पेट्रोलियम इससे आता है, और दोनों ही ऐसे संसाधन हैं जिनका उत्खनन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ये दोनों ऐसे संसाधन हैं जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार कोयले का उत्खनन हो गया तो उस क्षेत्र में दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता। तुरंत कोयला मानव निर्मित नहीं है। एक बार तेल का उपयोग हो गया तो तेल का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, कम से कम मानव निर्मित नहीं है, मानव के द्वारा इसका निर्माण संभव नहीं है। अर्थात तेल और कोयले के उत्खनन, उपयोग और उत्पादन में निर्भर होने का खतरा ये है कि अगले कई हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे फिर से तेल और कोयले के निर्माण में। कोयले और तेल की बड़ी जरूरतों को पूरा करने में अमेज़न के बरसाती जंगल दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे पूरा साफ हो गया है। यदि हम क्रमबद्ध अमेज़न के जंगल का नक्शा देखें तो हम पाएंगे कि आज से 100 साल पहले वहाँ जंगलों का जो घनत्व था, आज वह बहुत कम हो गया है। और कारण, दोहन, कोयला और तेल का दोहन। परिणाम स्वरूप वहाँ के जो बरसाती जंगल हैं उसका विशाल भूभाग अब उजड़ चला है, उजड़ता जा रहा है। ये जो अमानवीकृत संसाधन है, जो ऐसे संसाधन जो मानव नहीं बना सकता, इनकी मात्रा में ही कि विकसित देशों के नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन जी सकेंगे, इन संसाधनों की परिमिति प्रकृति को देखते हुए उत्तर हमेशा नकारात्मक ही होगा, क्योंकि ये मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो कम से कम मानव निर्मित संसाधन
जो नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके दोहन के उपयोग, उनके दोहन के बारे में हमें विवेकशील रूप से कार्य सोचना होगा, अपना विवेक लगाना होगा, विवेकतापूर्ण का उपयोग करना होगा, तभी जाकर आगामी पीढ़ी उन सुख सुविधाओं को अपना पाएगी जिसका हमने दोहन किया है। अन्यथा आगामी पीढ़ी का क्या होगा? क्या उन्हें हम एक संसाधन रहित धरती देंगे जहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन ना हो, कोयला, पेट्रोल आदि आदि सब जहाँ गायब हो चुके हों? और क्या ऐसा करते हुए हम उन्हें ढेर सारी समस्याएं नहीं दे रहे हैं? इस पे हमें विचार करना होगा। तो आगामी पीढ़ी पर होने वाले दुष्प्रभाव का भी हमें चिंतन करना होगा। समाज में तो वर्तमान समाज में इसका प्रभाव, पर्यावरण पर इसका प्रभाव और आगामी पीढ़ी पर इसका प्रभाव, ये सब बहुत गहन सोचने की बातें हैं। विकास की चुनौतियां संक्षिप्त में क्या हैं? पहला, 20वीं सदी का उत्तरार्ध अर्थात 1950 के दशक के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों ने आज़ादी हासिल की और इन देशों को अविकसित देश कहा गया, विकासशील देश कहा गया और इनका मुकाबला पश्चिमी देशों से जो अमीर थे, अर्थात अमीर देश बनाम निर्धन देश, एक ऐसा दृश्य सामने आने लगा जिसमें गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता, बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये सब समस्याएं बहुत गहरी थीं और इनका समाधान निकालना था। अमीर देश बनाम गरीब देशों के बीच की जो खाई थी, एक तरीके से 1950 के पहले के साम्राज्यवादी देश और 1950 के बाद स्वतंत्र हुए उपनिवेश, इनके बीच का जो अंतर था, उस अंतर को कम करना और इन देशों की समस्याओं का निराकरण करना कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना, ये इन नए देशों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। ये बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमीर देश इन्हीं उपनिवेशों में जहाँ वे वर्षों शासन किए, उसमें उन्होंने केवल एक ही कार्य किया और उस एक कार्य के बल पर ही ये अमीर देश विकसित देशों की श्रेणी में आए। और वह कार्य क्या था? संसाधनों का अपने हित में दोहन, संसाधनों का उपयोग अपने हित में करना। अब स्थितियां बदल गई थी। बदली हुई स्थिति में यानी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन नवोदित देशों द्वारा राष्ट्रीय हित में संसाधनों का समुचित उपयोग करने की समस्या खड़ी थी, चुनौती थी। इसलिए जरूरी था कि ऐसी नीतियां बनाएं जिससे वे अपने पिछड़ेपन से उबर सकें, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे इन संसाधनों का दोहन समुचित रूप से किया जा सके, विवेकपूर्ण किया जा सके। विकास परियोजनाएं जो इन देशों द्वारा अपनाई गईं, उसमें ये बात तय थी कि विकास की चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। शुरू के वर्षों में विकास के लक्ष्य का जो जोर था वो आर्थिक उन्नति पर था। प्रारंभिक वर्षों से, मेरा तात्पर्य है 1850 के आसपास, विकास का जोर आर्थिक उन्नति पर
और साथ ही साथ समाज के आधुनिकीकरण पर। यदि हम दोनों बिंदुओं को एक नज़रिए से देखें तो दोनों का संबंध भौतिकवादी सुख सुविधाओं से है, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो या आधुनिकीकरण हो, दोनों का लक्ष्य भौतिक सुख, औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा के आधुनिकीकरण, उसके विस्तार के जरिए आर्थिक उन्नति का लक्ष्य रखा गया इन विकास परियोजनाओं में, जो 20वीं शताब्दी में विभिन्न देशों ने इख्तियार किया, चाहे वे लोक कल्याणकारी राज्य के तहत हो, चाहे वे साम्यवादी या पूंजीवादी राष्ट्र के तहत हो। लेकिन कुल मिलाकर जो विकास परियोजनाएं बनी उनका लक्ष्य औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा का आधुनिकीकरण और ऐसा करते हुए आर्थिक उन्नति, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो विकास निर्माण, जो विकास परियोजनाएं बनाई गई उनका एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण था। भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाए गए विकास मॉडल की कुछ देशों ने आलोचना की, क्योंकि भारत ने मिश्रित विकास मॉडल लिया, पूंजीवादी विचारधारा के कुछ पहलू और साम्यवादी विचारधारा के कुछ पहलू, उसके साथ ही गांधीवादी विचारधाराओं के कुछ पहलू को लेकर जो उसने अपना विकास मॉडल बनाया उसकी कुछ लोगों ने आलोचना भी की, और इसलिए ज़रूरी हो गया कि विकास के लक्ष्य और प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार किया जाए। हम भारत के विकास मॉडल की यदि बात करें तो भारत का विकास मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था। किस पर? पंचवर्षीय योजनाओं पर। और उन पंचवर्षीय योजनाओं में जो अहम बिंदुओं पर बल दिया गया उसमें पहला था उर्वरकों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में। पहली बात तो उत्पादन और इतना कि उसका फायदा मिल सके। दूसरा हम कह सकते हैं बांधों का निर्माण, जिसमें भाखड़ा नंगल बांध, ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में एक था। तीसरा इस्पात संयंत्रों की स्थापना, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला आदि आदि शामिल हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु था कृषि तकनीकी में सुधार। कृषि तकनीकी में सुधार से तात्पर्य यह है कि कृषि उत्पादन या कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार की जरूरत है, उसका अध्ययन और उससे जुड़ी हुई तकनीकी में तकनीकी परिवर्तनों पर जोर। और पांचवा बिंदु पंचवर्षीय योजनाओं का, यदि हम पंच बिंदु भी बोलें तो पांचवा था खनन। खनन मतलब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, क्योंकि बिना उसके ये संभव नहीं था कि हम अपने औद्योगिक लक्ष्य को, आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये पंचवर्षीय योजनाओं की बात हुई जो भारत के विकास मॉडल का अहम हिस्सा थी। यदि हम भारत के विकास मॉडल की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा उसका दूसरा अहम हिस्सा था कि जो संपन्नता आएगी, जो लक्ष्य इसका रखा गया था, कैसे प्राप्त करेंगे वो तो पंचवर्षीय योजनाओं से, पर क्या प्राप्त करेंगे? संपन्नता, लक्ष्य था संपन्नता। कैसी संपन्नता? जो समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस्क कर पहुँचे, नीचे फिल्टर होते हुए जाते जाए, समाज के न्यूनतम, समाज के निम्नतम तबके तक वो पहुँचे, ऐसा विश्वास था, ये हमारा लक्ष्य था। पाने का जरिया, लक्ष्य को प्राप्त करने का जरिया पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य ये हो गया। अब इसमें ये जरूरी था कि संपन्नता के साथ साथ एक और जो बात अहम रखी गई थी हमारे विकास मॉडल में, वो था समाज को आधुनिक
और प्रगतिशील बनाने की आशा। ये जो सारे विकास की बातें हो रही थी, चाहे योजना आयोग के माध्यम से चाहे अन्य जरियों से, इसमें इस बात पे लगातार जोर था कि हम समाज को आधुनिक बनाना चाहते हैं। परंपरावादी, दकिया न्यूसी, अंधविश्वास, धर्मांधता, ये सबसे हटकर हमारा समाज मॉडर्न बने। वेस्टर्न ने, पश्चिमीकरण नहीं, हम आधुनिकीकरण चाहते थे, प्रगतिशील समाज की अपेक्षा करते थे। तो ये हमारे उन लक्ष्य में शामिल था और इसके लिए जरूरी था कि ऐसी प्रणाली आए, ऐसी शिक्षा प्रणाली, ऐसी सोच जिसमें विज्ञान की नई खोज और नवीनतम तकनीक पर लोगों का विश्वास बढ़े। विज्ञान की नई खोज और नवीनतम तकनीकियों पर लोगों का विश्वास बढ़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विकास मॉडल के ये पांच अहम बिंदु थे। पंचवर्षीय योजना, संपन्नता का लक्ष्य, आधुनिक और प्रगतिशील बनाने की आशा, विज्ञान पर बढ़ा हुआ विश्वास और उसके साथ गांधीयन विचारधारा। अन्य देशों ने जो विकास मॉडल अपनाए, वो विकास मॉडल की कुछ खामियां स्पष्ट दिख रही थी। उसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि जिस तरीके से ये विकास मॉडल काम कर रहे थे, वे विकासशील देशों के लिए बड़े महंगे थे। विकासशील देश से तात्पर्य है वे निर्धन गरीब देश जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लंबे काल तक साम्राज्यवाद के चंगुल में रहने के बाद स्वतंत्र हुए। ऐसे निर्धन देश, उनके लिए संभव नहीं था कि विकास के इस मॉडल को अख्तियार किया जाए, क्योंकि ये बड़े महंगे थे, इसमें वित्तीय लागत बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा भी देखा गया कि जिन देशों ने विकास के ये मॉडल्स अपनाए, उनमें से बहुत से देशों को कर्ज लेना पड़ा इस मॉडल को आगे बढ़ाने में। परिणाम क्या हुआ, विकास हुआ या ना हुआ ये तो एक मुद्दा, पर ये लोग कर्ज में डूब गए। दीर्घकालीन कर्ज, लंबे काल के लिए जब इन्होंने कर्ज लिया तो उसमें कर्ज में दब गए। इसलिए विकास के रूप में उपलब्धि जो हुई वो लिए गए कर्ज के अनुरूप नहीं रही। मैं फिर से दोहरा दूं, मैं बुराई कर रहा हूं या आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उन मॉडलों की ओर जो उस समय प्रचलित थे और वर्तमान में भी कई देशों में हैं, लेकिन विकासशील देशों के लिए वे उचित मॉडल नहीं थे। उसकी क्या खामियां थी? बहुत बड़ी खामी थी, बड़े महंगे, बहुत महंगे। वित्तीय लागत इतनी ज़्यादा थी कि लंबे समय तक कर्ज इतना ज़्यादा कि विकास के नाम पर लिए गए कर्ज इतना ज़्यादा हो गया कि जो उपलब्धि हुई, विकास की उपलब्धि, वो उसके अनुरूप नहीं थी, कर्ज के अनुरूप नहीं थी, कर्ज के दबाव, कर्ज के बोझ के अनुरूप नहीं थी। और परिणाम क्या होता है कि ये देश दरिद्रता और गरीबी की चपेट में बने रहते हैं। ये देश दरिद्रता और गरीबी की चपेट में बने रहते हैं। अभी तक जो विकास की परिभाषा चल रही है उसमें विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी के संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है। इस मॉडल में एक खामी है, लेकिन वैकल्पिक मॉडल की जो बात हो रही है उसमें इसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है, उसमें पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और प्रौद्योगिकी से संचालित होने की जो बारंबार कोशिश हो रही है, उससे बचने का प्रयास है। विकास को अब देश में मोबाइल फोनों की संख्या से,
अत्याधुनिक हथियारों और आकारों के बढ़ते आकार से, इनसे नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता से नापा जाना चाहिए। और इसी चाहत के परिणाम स्वरूप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसा पैमाना अब अख्तियार किया जाने लगा है विकास को नापने के लिए। इसलिए अब ये जरूरी है कि सतत विकास के मद्देनजर हमारी सोच में, हमारे कार्यशैली में कुछ बदलाव आए। बदलावों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखना ताकि भविष्य की पीढ़ी उसका उपयोग कर सके, ऊर्जा के फिर से प्राप्त होने वाले स्रोतों का यथासंभव उपयोग करना, जरूरत पड़ने पर ही उसका उपयोग करना, इसका प्रयास किया जाए। इन गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू किया जाए, ना कि केंद्रीकरण किया जाए, और लोगों की अधिक संलग्नता, लोगों को इसमें अधिक से अधिक जोड़ा जाए। दूसरा, बड़े बांधों के स्थान पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण हो ताकि वो क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पर्यावरण के साथ उस हद तक छेड़छाड़ न करें जिस जो बड़े बांधों के निर्माण से होता है।